आज हम बनाएंगे आलू के पकोड़े जो सभी के फेवरेट हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं और टेस्टी भी बहुत बनते हैं। बहुत ही बढ़िया और फूले फूले हमारे आलू के पकोड़े बनकर तैयार होंगे, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और इनको बनाना भी बहुत आसान है। घर की कुछ चीज़ों से आप इन पकौड़ों को बनाकर तैयार कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा सामान की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है हमें। चलिए बनाते हैं आलू के पकौड़े। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आलू के टेस्टी से पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने दो बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं जिनको हमने अच्छे से सीलने के बाद पानी के अंदर रख लिया है, क्योंकि आलू जो है काले पड़ने लगते हैं और पानी के अंदर हमने इसीलिए इसको रख लिया था। और ये आलू हैं बड़े बड़े साइज़ के हैं, ज़्यादा बड़े साइज़ के आलू लेने हैं इसके लिए पकौड़ों के लिए, तभी हमारी जो आलू की स्लाइस है अच्छी बड़ी बनेगी। और ये हमने आलू को हमें स्लाइस में काट लेना है। और सबसे पहले हम आलू का जो छोटा पोर्शन है उसको हटा लेते हैं, हमें थोड़े बड़े स्लाइस चाहिए इसीलिए हमने इसको हटा कर परे कर लिया है। और इसके पतले, बिल्कुल पतले स्लाइस कट कर लेने हैं चाकू की हेल्प से। बहुत इजीली आप इसको इस तरीके से स्लाइस में कट कर लेंगे क्योंकि ये आसानी से हो जाता है, बहुत मुश्किल नहीं है। बिल्कुल पतले स्लाइस काटने हैं। आप देख सकते हैं मैं कैसे काट रही हूँ, इसी तरीके से हमें सारे आलू के स्लाइस कट कर लेने हैं। हमने सारे आलू को कट कर लिया है। काटने के बाद हमने पूरे स्लाइस पानी के अंदर डाल दिए हैं, अच्छे से हमने इसको धो लिया है। और ये स्लाइस को हम निकाल कर एक कपड़े के ऊपर डाल देंगे क्योंकि जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा पानी है उसको हम कपड़े से साफ़ कर देंगे। जब हम पकोड़े बनाएंगे तो उसके अंदर ज़्यादा लिक्विड ही नहीं होगा, पकोड़े बनाने में आसानी रहेगी। अगर आप इसको ऐसे गीला डालने चाहते हैं तो पकोड़ों के अंदर, तो आप बेसन की थोड़ी थिकनेस रखिए, उसी हिसाब से पकोड़े बनेंगे। अगर आप पहले से गीले आलू इसके अंदर डालेंगे तो हो सकता है कि आपका बेसन ज़्यादा गीला हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको हल्का सा पोंछ लिया है। चलिए अब हम इसके लिए बेसन घोलकर तैयार करते हैं। यहाँ पर हमने मिक्सिंग बाउल ले ली है और एक कप बेसन लिया है, उसको हमें छन्नी की मदद से छान कर डालना है, इससे बेसन बहुत ही स्मूथ बनेगा। जो बेसन का हम घोल बनाएंगे उसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी, इस तरीके से अगर छान कर बेसन को यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत ही अच्छे से छन्नी की मदद से छान लिया है, मोटी गुठलियों को इस तरीके से तोड़ देंगे। बेसन जो है छान कर तैयार हो चुका है। और यहाँ पर हमने वाइट चने का आटा लिया है, इस तरीके के पैकेट में आता है, वही आटे का हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। आधा कप हम ये वाइट चने जो काबली चने होते हैं उनका आटा हम यूज़ कर रहे हैं, आधा कप। और एक कप हमने यहाँ पर बेसन डाला था पहले, और दोनों को हमने छान लिया है। अभी हम इसके अंदर कोई भी मसाले वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हमें इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इसको घोल लेना है, बिल्कुल गुठलियाँ ख़त्म होने तक इसको घोलना है। पहले थोड़ा पानी डालेंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना पड़े, लम्स फ्री घोल बनाएंगे। अच्छे से मिक्स किया है और पानी डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा पानी और डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत ही अच्छे से इसको मिलाना है। हमने इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है, बाकी का बचा हुआ पानी भी हम इसके अंदर डाल देंगे। टोटल हमने इसके अंदर एक कप पानी डाल दिया है, अच्छे से मिला देंगे। पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती है, 2-3 चम्मच ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि बेसन के नाप की वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, कोई बात नहीं। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बता दूंगी कि कितना पानी हमें इसके अंदर और चाहिए, किस तरीके का घोल होना चाहिए। देखिए हमने बैटर को बहुत ही अच्छे से घोल लिया है, आपको दिखा देते हैं। ऊपर से हम गिरा रहे हैं तो ऊपर से ये नहीं है कि ऊपर जैसे कि रिबन बन रहा है और टूट नहीं रहा है, नीचे जाते ही ये बेसन के अंदर मिक्स हो रहा है, इसका मतलब है कि ये बहुत ही अच्छा सा हमारा बेसन घुलकर तैयार है। 1 चम्मच और पानी इसके अंदर डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा हमारा घोल बनकर तैयार हो चुका है। 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, जब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच से भी कम हमने यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है, और क्योंकि हम इसके अंदर हरी मिर्च डाल रहे हैं इसीलिए कम लाल मिर्ची पाउडर डाला है।
तीन हमने हरी मिर्च को बारीक करके डाल दिया है इसके अंदर। यहाँ पर हमने चिली फ्लेक्स लिए हैं, जो सूखी वाली मिर्च होती है उसको हमने लंबाई में इस तरीके से काट लिया है, जो देखने में बहुत बढ़िया लगेंगे। इसके हमने बीज हटा दिए हैं, सिर्फ उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हमने लंबाई में काट कर लिया है, वो डाल दी है। दो मिर्ची हमने इसके अंदर, थोड़ी सी हम अजवाइन डाल देंगे क्योंकि बेसन वाली चीज़ बना रहे हैं तो इसमें अजवाइन बहुत ही बढ़िया लगेगी और डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया होती है। और साथ में हमने धनिया लिया है, उसके हमने डंठल हटाकर सिर्फ उसके पत्ते लिए हैं, इसको काटा नहीं है। इसी तरीके से छोटे छोटे हमने इसके जो पत्ते हैं वो ले लिए, वो डाल दिए हमने इसके अंदर। अब डालेंगे आधा चम्मच हम इसके अंदर चाट मसाला, आप चाहे तो इसके अंदर अमचूर पाउडर भी आधा चम्मच डाल सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत खट्टा खट्टा सा आता है, बहुत बढ़िया लगता है। आप चाहे तो नींबू का जूस भी इसके अंदर डाल सकते हैं थोड़ा सा। फिर से हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमने मिला लिया है और ये हमारा बेसन का घोल बनकर तैयार हो चुका है। अब हम पकौड़ों को और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए इसके अंदर डालेंगे बिल्कुल गरम गरम तेल। हमने पहले से गर्म होने के लिए तेल रख दिया था, दो चम्मच हम इसके अंदर गरम तेल डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। तेल को हमने बैटर के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया, हमारा बैटर बनकर तैयार है। चलिए अब हम पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। पहले से ही हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल जो है हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। तेल जो अच्छा गर्म होने पर ही हम इसके अंदर पकौड़े डालेंगे। तेल जो अच्छा गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने आलू के स्लाइस रखे थे, उसको हम एक एक करके बेसन के अंदर डिप करते रहेंगे और इसको हम पैन के अंदर डालते जाएंगे। जितने भी पकौड़े पैन के अंदर आ जाएँ उतने हम डालेंगे पहले। और देखिए हमने फ्राई करने के लिए पकौड़ों को डाल दिया है और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, मीडियम और हाई के बीच में रखेंगे फ्लेम को, और अच्छे से एक तरफ से हम सिकने देंगे, तभी हम पलटेंगे जब जब नीचे से सिक जाएंगे। थोड़ा थोड़ा तेल हम ऊपर भी डालते रहेंगे गरम, ताकि जो पकौड़े हैं बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बन जाएं। और इसको हमें पलट लेना है दोनों ओर से, बढ़िया से कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। हमने पकौड़ों को पलट लिया है, देखिए कितने बढ़िया फूल रहे हैं, बहुत ही अच्छे और बढ़िया पकौड़े बन रहे हैं और बहुत ही बढ़िया सा कलर भी आ चुका है। दोनों ओर से हमने अलटते पलटते हुए पकौड़ों को सेक लिया है, बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। दो पकौड़े सिक गए हैं, उसको हम प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। बाकी के बचे हुए स्लाइस से भी हम इसी तरीके से पकोड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे पकोड़े हमने इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लिए हैं और हमने इसको गर्मा गर्म हरी चटनी और केचप के साथ सर्व किया है। आप इसको किसी भी चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। एक बार ट्राई करना तो बनता है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपने एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।